आज के लिए करियर काउंसलिंग कि इससे बेनिफिट कुछ मिला क्या क्या चीज़ें जो जानने को मिला यहां हाँ हमें बहुत बेनिफिट मिला और हम हमें इतना ज़्यादा सीख मिला कि हम लोग आगे चल के कुछ कर, अगर नहीं भी करना चाहे तो भी करने के लिए हम लोग काबिल मतलब इतना ही अच्छा लगा कि हम लोग काबिल हो सकते हैं हमें बहुत अच्छा लगा और मैं क्या बोलते हैं मैं अपना करियर डॉक्टर में जाना चाहती और समाज का सेवा करना चाहती हूँ मेरा नाम प्रिया है मैं सिंगड़ा बस्ती की रहने वाली मैं हाल ही में, हाली में पास की बच्चे यहाँ बहुत सारे परसिया जैसे सिंगड़ा बस्ती उसके बाद चर्की टारेना चापी हर एक जगह से बच्चे आए हुए हैं जोहार साथी जोहार मैं आपका दोस्त जितेंद्र स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में अभी हम लोग चर्की टार धनबाद में आए हैं जहाँ पर करियर काउंसलिंग को कैरियर uh, काउंसलिंग को लेकर के बच्चों से बातचीत करी जा रही थी कि कैसे वो अपना करियर बनाएंगे कैसे वो अपना कोर्स uh, जो है चूज़ करेंगे पढ़ाई को लेकर के और यहाँ पर झारखंड फाउंडेशन केंद्र की तरफ से uh, जो है uh, सैकड़ों बच्चों को आज यहाँ पर काउंसलिंग कराया गया रंजीत दसुंधी सर हैं इनसे थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं जौहर जो सर जोहर जौहर आज का कैरियर काउंसलिंग में कहाँ के बच्चे पहुँचे हुए थे और क्या बच्चों को बताया गया आज ही हमारे क्षेत्र के लगभग डेढ़ सौ दो सौ बच्चे आए हैं जिसमें सिजवा हुआ भेला टाढ़ हुआ चरकी टाढ़ हुआ बागड़ा हुआ सिंगड़ा हुआ मोहदा हुआ तो इस सारे क्षेत्र के बच्चे लोग आए और अपना भविष्य के बारे में उन लोगों ने एक चीज निश्चित किया कि अब हमको किस क्षेत्र में जाने से ज़्यादा फ़ायदा है जो कन्फ्यूजन में रहता था उन लोग कि क्या करें नहीं करें अभी भी बहुत सा बच्चे ऐसा है जो 11, ट्वेल्व के बाद उन लोग को सही दिशा का अभाव के कारण पढ़ाई या तो छोड़ देता है या तो घर में बैठता है या तो फिर अलग अलग गलत लाइन में चला जा रहा है बेसिकली वो यहाँ पर पहुँचे नहीं टेंथ पास ट्वेल्व पास भी बच्चे थे बहुत सा बच्चे थे यही सब और भी आने वाला दिन तो में फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह कराते तो फिर ये इस तरह की ये जरूरी है फिजिकल एजुकेशन में अभी मस्ट भी अर्जेंट हो गया पढ़ाई पढ़ाई पढ़ पढ़ा के पहले आर्मी का एग्जाम पास करेगा तब फिजिकल एजुकेशन आएगा ये सेकेंड फेज में हो गया फिजिकल एजुकेशन उसमें भी तेज होना पड़ेगा फिजिकल एजुकेशन में भी और पढ़ाई में भी तेज होना पड़ेगा तो सर का जयदेव सर का जो लाइनअप है अभी हम लोग का झारखंड में एक नंबर है जो गांव घर घर के बच्चों को सही दिशा देने में इनका जो भाषा है इनका जो मैंने सरल स्वभाव है जिसके चलते बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं सीखते हैं और अपना दिमाग में सेटअप करते हैं बच्चे है। भी काफ़ी ज़्यादा देख रहे हम लोग देख रहे थे कि जे घूल मिल जा रहे थे हाँ तो अपना भूल मिल जा रहे थे इसलिए कि जयदेव सर चूँकि गांव के माने एकदम ग्रास रूट से उठे हुए थे और खोटा लैंग्वेज जो हम लोग का है गांव घर के भाषा में ही वो बात करते हैं ज़्यादा अभी तो हम लोग एक प्लेटफार्म में है कि हिंदी में बोल रहे हैं नहीं तो ज़्यादातर हम लोग का अच्छा रहता है खोटा में ही बात करके लड़कों के नज़दीक जाया जा सके जा, अशोक सर भी हैं जो हमेशा से जो है बच्चों को मोटिवेट करते हैं शिक्षा को लेकर के जोहर सर जोहर जोहर।, जोहर जोहर आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में पहुँचे हैं चरक, चरकी टाउन जो हाई स्कूल बना है तो इसके माध्यम से हमारे जयदेव सर और रंजित सर जो ग्रामीण बच्चों को बहुत बड़ा उपलब्धि के लिए कैसे उपलब्धि प्राप्त किया जा सके यानी कि करियर काउंसलिंग जो आज रखा गया था इस करियर काउंसलिंग में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कैसे विकास करें अपना जीवन में कैसे सफल हो उसके मंझार में फंसना नहीं है यानी कि कहीं मतलब इलेवन नाइन टेन और जैसे टेन ट्वेल्व पास करने के बाद बच्चा एक क्या होता है कि चेंज चेंज हो जाता है उसका ट्रैक में फंसा हुआ रहता है कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करें क्या करें क्या नहीं क्या करें क्या, क्या ना, क्या ना करें यानी कि कहें मतलब कोई सोचता है कि इंजीनियरिंग करेंगे लेकिन इंजीनियरिंग किस लाइन में जाकर किस में अच्छा बेनिफिशियल हो तो इसलिए उसके मंझार को दूर करने के लिए हमारे जयदेव सर आज हमारे बहुत दिन से सोच रहे थे उसको बुलाए आज थोड़ा सा व्यवस्था किए तो उसी के अनुसार हम लोग आभार है जयदेव सर के प्रति और हमारे रंजीत सर भी इसमें सहयोग किए कि इसको होना जरूरी है ग्रामीण क्षेत्र में तो इसलिए मैं सर डॉक्टर सर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इसके लिए शंबू जी भी है आ, आ, जोहार स्वागत जोहार आपका चैनल को भी जोहार ये भी जो है हमेशा से ही एजुकेशन को लेकर के अपना आगे जो बढ़े हैं वो झारखंड के किसी भी क्षेत्र में जहाँ बात में एजुकेशन की हो मोटिवेशन की बात हो वो अपना यहाँ पर जो है प्रेजेंट वहाँ पर होने की प्रयास करते हैं अच्छा आज यहाँ पर इतने सारे जो बच्चे हैं तो बच्चे आने के बाद में मोटिवेशनल क्लासेस हुए या जो भी करियर काउंसलिंग को लेकर के सेशन चली तो बच्चे कितना ज़्यादा मोटिवेट हुए और उनका रुझान किस तरह का लग रहा है कि आप यहाँ के सेशन से कितना ज़्यादा प्रभावित हुए अभी जो हमारे डॉक्टर जयदेव सर जी जो बच्चे को करीब करीब डेढ़ से दो घंटा उन लोग का करियर काउंसिलिंग विथ स्कॉलरशिप के बारे में उन लोग को डीपली से बताएं जैसे गहराई से कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बच्चियों को बहुत सा मतलब डर सा रहता है कि मैट्रिक के बाद क्या करें या तो मेरा घर का स्थिति ऐसा नहीं है कि हम लोग आगे पढ़ पाएंगे तो इसके लिए सर ने बहुत ही गहराई से बताए उनको उनके अंदर एक जो हौसला होता है ना पढ़ने का वो अफजाई किए कि नहीं हम लोग भी कुछ कर सकते हैं और एक सब से पूछा गया उन लोग के अंदर कि क्या टारगेट है गोल क्या है वो गोल को भी हम लोग आज जाना कि बहुत से बच्चा जैसे मन मन में था कि किसी को अभी आई एस आई या सी हो या जनरल फाइट जो भी करना है तो इससे क्या होगा कि हम लोग गार्जियन मैंने ग्रामीण जो आसपास के हम लोग आज जो मार्गदर्शी बन के गार्जियन भी यहाँ पर साथ में थे हाँ लगभग गार्जियन भी, भी काफ़ी आए हुए थे तो इससे एक हम लोग का बेनिफिट हुआ कि बच्चा के अंदर क्या क्या बनना है तो उस चीज़ के लिए हम लोग एक मार्गदर्शी हो या गार्जियन के उसको उस चीज़ के लिए हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं और वो अगर ऐसा ही रेशियो रहा मैंने जयदेव सर जो जो बोले और उसको इम्प्लीमेंट अगर कर लिया तो मेरा दावा है मेरा चैलेंज है कि हर बच्चा परचम ला रहा पाँच साल सात साल के बाद डॉक्टर जयदेव सर जो है इन इनके साथ में हमने एक स्पेशल इंटरव्यू करा है हालांकि छोटा शॉर्ट में जो है थोड़ा सा हम इनसे जान लेते हैं जार्क, जो झारखंड फाउंडेशन केंद्र है उसके बदौलत कुछ ना कुछ जो यहाँ पर किया जा रहा है एजुकेशन को लेकर के और कहाँ कहाँ पर ये इस तरह की जो है चीज़ें अभी तक हुआ है काउंसलिंग देखिए ये जो झारखंड फाउंडेशन केंद्र जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू हम अभी टेंथ चूँकि टेंथ और ट्वेल्व के बच्चे अभी टेंथ का रिजल्ट आ चुका है तो और ट्वेल्व का रिज़ल्ट आ चुका है तो टेंथ और ट्वेल्व के बाद ही बच्चों का क्या होता है एक टर्निंग पॉइंट होता है तो इसी को देखते हुए झारखंड फाउंडेशन की केंद्र की ओर से शिक्षा सबका अधिकार एक कार्यक्रम चला जा चलाया जा रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब झारखंड के हर एक सरकारी स्कूल जहाँ पे टेंथ और तो ट्वेल्थ तक की पढ़ाई होती है उस सरकारी स्कूल में पहुँचूँ और उस सरकारी स्कूल में पहुँच के जो वहाँ के जो ग्रामीण सुदूर बच्चे हैं जो डायरेक्शन लेस पढ़ाई करते हैं उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन दूँ और वो बच्चे जिनकी पढ़ाई आर्थिक कमी के कारण छूट जाती है तो उनको आर्थिक सपोर्ट के लिए कहाँ कहाँ स्कॉलरशिप मिल मिल सकता है ताकि उनकी पढ़ाई छूटे ना तो हमारा जो शिक्षा सबका अधिकार कार्यक्रम के माध्यम से ये सारा प्रोग्राम हम चल रहे हैं और हम ये प्रोग्राम मेरा दो महीना से चल रहा है और अभी मेरा दो महीना में ये तीसरा स्कूल में विजिट कर रहा हूँ तो अमेरिका में रहते हैं तो फिर हाँ इस... एक्चुअली मेरा मैंने जो पी किया हुआ आई धनबाद से किया है और आई धनबाद से पी करने के लिए मैं अभी अमेरिका में एज ए स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में एज ए रिसर्च एसोसिएट साइंटिस्ट के रूप में पोस्ट डॉक्टरेट कर रहा हूँ वहाँ पे तो मेरा ऑलमोस्ट पोस्ट डॉक्टरेट खत्म हो गया है और ख़त्म होने के बाद यूएस से मुझे अभी एक जॉब ऑफर भी है जुलाई में तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एजुकेशन है वो मेरे गांव के काम आए जो मेरा एजुकेशन है वो मेरे गांव के काम आए मेरे देश के काम आए इसीलिए मैं एक इस मोटिवेशन के साथ मतलब अमेरिका की नौकरी को छोड़ के यू की नौकरी को छोड़ के गाँव में आया हूँ ताकि जो मतलब डिफ़िकल्टी मैंने अपने कैरियर में झेला है मैं भी एक सुदूर गांव से एक किसान का ही बेटा हूं और प्राथमिक विद्यालय सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूं और सरकारी स्कूल से पहुँच तक किस तरह मैंने अमेरिका की जर्नी की गिरते पड़ते हुए मैं नहीं चाहता कि मेरे आने वाली पीढ़ी मेरे जो गांव के बच्चे हैं वो भी उस तरह गिरते पड़ते वहां तक पहुंचे मैं चाहता हूं कि उनको एक सिंगल डायरेक्शन दूँ और उस डायरेक्शन में वो चले और जैसा कि शंभू सर ने भी कहा कि उस डायरेक्शन में वो लोग चलेंगे तो चार साल चार से पाँच साल में उन लोग अपना एक परचम लहराएंगे तब तो तक इस तरीके से जो है चलता रहेगा इस तरीके का कार्यक्रम हम चाहते हैं सालों भर चलाना चाहते हैं अगर मुझे स्कूल बच्चे इंटरेस्ट शो करते रहे स्कूल अगर मुझे अभी तो मैं खुद से स्कूल के प्रिंसिपल को अप्रोच कर रहा हूँ कि इस तरह का मुझे प्रोग्राम करने दीजिए तो आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से अगर ये मेरा कार्यक्रम दूर गाँवों तक पहुँचता है तो मैं उन सारे गाँव को मतलब पेरेंट्स से गार्जियन से टीचर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ एक दिन ये शिक्षा सबका अभियान जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को अपने गाँव में रखें ताकि उनके बच्चे की पढ़ाई आर्थिक कमी के कारण छूटे नहीं और सारा बच्चा शिक्षित हो क्योंकि समाज में बदलाव शिक्षा से ही लाया जा सकता है और कोई दूसरा रास्ता है नहीं ऐसे रोहित जी किस किन 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 जिले में जो अभी तक अभी मैंने बस बोकारो धनबाद में ही मेरा ये कार्यक्रम चल रहा है अभी तक चलाया हुआ है अभी मैं रांची भी एक स्कूल में मेरा अप्रोच आया हुआ है बट वो बहुत हाई फाई स्कूल है अब मैं चाहता हूँ कि हाई फाई स्कूल में जो लोग जाते हैं वो मतलब फाइनेंशियली अच्छे बैकग्राउंड के ही लोग जाते हैं लो तो मैं चा... मैं अभी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं स्कूल में जाऊंगा ना मैं स्कूल में जाऊंगा बट मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो गांव के स्कूल का है क्योंकि मैं गांव से पढ़ा हूं तो मैं गांव के लोगों का दर्द समझता हूं तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो सारी दिक्कतें मेरा आने वाला पीढ़ी झेले जो मैं झेल चुका हूँ बहुत बहुत धन्यवाद तो अभी आप लोग सुन रहे थे डॉक्टर जयदेव कुमार महतो जी जो अमेरिका में रहते हैं रिसर्च कर रहे हैं और झारखंड फाउंडेशन केंद्र के जो है बैनर तले तो ये सब सारा चीज जो किया जा रहा है अभी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के बच्चों से बातचीत कर उनका करियर काउंसलिंग जो है करा रहे हैं कि उनको कैसे करना है बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जोहार झारखंड जय झारखंड मेरा नाम की रहने वाली मेरा चॉइस है कि मैं बनूँ और सर इतने अच्छे गाइडलाइन हमको जो दिए हैं क्लास में अंदर में इसलिए मैं सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ की इतने अच्छे हमको समझाएँ कि आगे कैसे पढ़ा जाए और कैसे मदद मिलती है की स्कॉलरशिप में इतने सारे अच्छे हैं पढ़ाई के लिए मदद मिल रही है बहुत बहुत थैंक यू